प्रचंड वोट पाकर जीते बतौर सांसद पहली बार बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे रवि किशन शुक्ला का शुक्रवार को बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। भाजपा की महिला कार्यकर्त्रियों ने भी नवनिर्वाचित सदर सांसद रवि किशन शुक्ला का स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने सदर सांसद का माल्यार्पण और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, विभ्राट चंद कौशिक ने स्मृति चिन्ह देकर रवि किशन को सम्मानित किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी और पूज्य योगी जी के कार्यों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई। गोरखपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बांसगांव की तीनों विधानसभा क्षेत्र और संत कबीर नगर के खजनी विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त दिलाई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये जीत ऐतिहासिक है। ये जीत चाहे गोरखपुर की हो या देश की हो, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और मेहनत की देन है। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि प्रचंड गर्मी भी कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं तोड़ सकी और हम लोकसभा चुनाव में दिन रात लगे हुए थे। चुनाव जीते, भारी मतों से जीते, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, प्रतिष्ठित व्यापारी पुष्पदंत जैन, पार्षद जितेंद्र सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौशिक जी, हमारी पूर्व मेयर
आदरणीय सत्या पांडे जी, हमारे प्रमाणित विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, संयोजक आदरणीय रामपाल सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय देवेश जी, एक रिकॉर्ड जीत आपने हासिल किया है। मैं इस जीत के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सहित अपने जिले के सभी आदरणीय विधायकों, आदरणीय पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, पार्षद, हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के पंचायत संगठन के सभी पदाधिकारियों सहित अपनी सभी बहनों भाइयों आप सबको मैं इस जीत की, ऐतिहासिक जीत के लिए आपको बधाई देता हूँ। जगह कोई रहता तो उल्टा चल के आता, पगला जाता, सबको खुशी से काटने लगता। पहले आए तो हम काटा हो सात का वोट हो गए, टेढ़ा चलता मान पूरा उल्टा चल के आ रहा है, नीचे बैठते ऊपर खड़ा रहता हूँ। तो हम जीत के आ गए, अब की वोट पड़ल बा महाराज जी का सानिध्य बा, महाराज जी मुख्यमंत्री बड़न लेकिन कितने साधारण है, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने साधारण, देश में उनका सुनामी चला था लेकिन प्रधानमंत्री जी के देखा कितना शांत, उनकी कुल खेला मालूम बा, उनके भी मालूम बा कि महादेव का डबरू बज रहा था, विकास का डबरू बज रहा था, सर्वे भूतु सर्वा भूतु जीवन भूतु मृत्यु भूतु दाता तो विधाता तो देता तो लेता तो सत्य तो असत्य हम भगवान तो मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू। इस सत्य से हम जान हमके जानकारी हो गई बा, हमारा नाम तो महादेव विश्व में पहले बड़ा था, मैं यहाँ सांसद आज बना आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आज हुआ लोगों के आज, लेकिन मेरा नाम तो विश्व में पहले से था। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, हम राजा की तरह रहते हैं बंबई में, सब कुछ है जो आप सोचोगे वो सब कुछ है हमारे पास, कोई चीज प्रभु ने कमी नहीं रखी। मिट्टी के घर से राजा बनाया हमको प्रभु ने, सांसद बनने के बाद मैं वो व्यक्ति सत्य जानता हूँ, सत्य के रास्ते पे हम यहाँ पर पहुंचे, महाराज जी सत्य के रास्ते पे मुख्यमंत्री बन गए, नरेंद्र भाई मोदी जी सत्य के रास्ते पे प्रधानमंत्री बन गए, विश्व के आज सबसे बड़े लीडर बन गए इस जीत के बाद, जहाँ पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी मतों से जीत, आज विश्व में नंबर वन हो गया है प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व उनके सामने आज छोटा हो गया, आज सुबह के अखबार में आने के बाद, ये वो ताकत है सत्य में, असत्य थे विरोधी दल जो उड़ा गए, हम लोगों का धुरिया उड़ गए, तभी हम कह रहे ना कि जिंदगी झंडवा, और ये जीत प्रचंड बा, जिंदगी झंडवा और महाराज जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी का जीत, नरेंद्र भाई मोदी जी कार्यकर्ता की जीत, सब लोगों की जीत प्रचंड बा।